आएगा वो सब होगा। ये निषाद समुदाय MLC और राज्यसभा के लिए नहीं बना है, ये पार्टी बनी है निर्बलों की है, जो 70 साल से जिनको भोजन नहीं था, एक टाइम के भोजन मिलते हैं, कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है उन्हें, आज के दिन में उनकी आवाज़ बनकर निषाद पार्टी, उस मुद्दे को हल करने के लिए निषाद पार्टी बनी हुई है, और उस मुद्दे को हल करने के लिए एक प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। सड़क पर ये आवाज़ देते थे, सड़क पर करते थे, अगर एक निषाद के बेटे को 27 करोड़ में ये अवसर दिया कि हम सदन में आवाज़ देते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा साहब जो है, मोदी जी को, अमित शाह जी को, और योगी आदित्यनाथ, सिद्धार्थनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा कि उस चीज़ को आज हमें जो अवसर दिया कि इनकी बात मजबूती से सदन में रख सकूं और इनकी सेवा करके इनके जो हक हिस्से पर डाका डाला था पिछली सरकारों ने, उस कानून को बदलवा कर इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता। सबसे कुछ समय पहले आपने जब प्रेस स्टेट की भी बात करी थी, लेकिन कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसको उसमें आपको शामिल भी नहीं किया गया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी बेटी को शामिल किया गया, संगीता बलवंत को, हमें तो सदन में भेज दिया गया, विधान परिषद में, और एक बेटी संगीता बलवंत को दिया गया। अब तो दो दो लोग हो गए ना, एक निषाद का बेटा आज के दिन में MLC के लाइन में आ गया, और एक बेटी जो है संगीता बलवंत, वो भी निषाद है और बिन उप जाति है वो। इससे पहले आप जाति समीकरण की बात करते थे, कहते थे इस जाति के लोग अगर ये बन सकते हैं, इनको ये पद मिल सकता है, तो आप डिप्टी CM नहीं बन सकते। हम कहते हैं आज के दिन में धीरे धीरे आज शुरुआत हो गई ना, इनके हिस्से मिलने की बात आ गई ना, और इनके मुद्दे आरक्षण के मुद्दे, सबसे ज़्यादा इनका मुद्दा आरक्षण का है, इनका मुद्दा रोजी रोटी का है जो पिछली सरकारों ने छीना था, इनका मुद्दा पिछली सरकारों ने फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है। माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा, ढेर सारे पहलू पर आरक्षण पर काम हो चुके हैं, ढेर सारे, समय आने पर सब दिखेगा, समय आने पर बहुत जल्दी उनके मुद्दे हल हो रहे हैं, और उसके लिए मैं उनको अलग से धन्यवाद देता हूं। 2022 के चुनाव के लिए NDA के सहयोगी दल आपके, अब NDA जब शब्द आ गया तो सीट तो मतलब ही नहीं है, अब जीत के मतलब है ना, जितनी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है, निषाद पार्टी उस लक्ष्य से ज्यादा जीत कर दिखाएगी, हम अपनी गाड़ी का लक्ष्य, आपने कहा था 160 सीटें आप प्रभावित करते हैं, निश्चित रूप से वो उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें 160 सीटें प्लस होंगी हमारे तरफ से, 160 में आप लड़ेंगे? नहीं, 160 में हम लड़ेंगे नहीं, हमारे लोग अब लड़ेगी तो NDA लड़ेगी ना, तो मैंने पहले बता दिया था कि हम लोगों के सामाजिक मुद्दे जो हल हो रहे हैं, हल होना शुरू हो जाए, हम लोग कोई भी सीटें दे देगी वो हम लोग संतोष करने के लिए तैयार, हमारे मुद्दे हल हो रहे हैं तो सीटों का लफड़ा ही नहीं, अब NDA को जिताना है, और जो सीटें हमें मिलेगी वो निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर लड़ेगी और सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।